Hello everyone, welcome to Ease Learning. This is Monica and in today's 1 minute concept series I will discuss about instructional models. आज हम discuss कर रहे हैं unit 8 in education technology में Dick and Gary model को. Dick and Gary model जो 1978 में आया था. Instruction based model है, instructor के goals को achieve करने के लिए ये model बनाया गया है. हमने अभी short videos में ADDIE model, Assure model discuss किए थे जिसमें 5 to 6 steps थे. Dick and Gary model में आपको 10 steps दिखते हैं. देखिए, और जैसे ही टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो हम अपने एस्पेक्ट्स को भी साथ साथ इम्प्रूव करते हैं. तो इंस्ट्रक्टर के गोल को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए 10 स्टेप मॉडल दिया गया जिसमें हमने कुछ 10 स्टेप्स बनाए ताकि हम अपने गोल को अचीव कर पाएं. अब यहाँ इंस्ट्रक्टर कौन है? वो टीचर जिसने स्टूडेंट में कुछ लर्निंग इम्पार्ट करनी है. तो इंस्ट्रक्शन बेस्ड आपका ये काम होगा. फर्स्ट वी हैव डेवलप इंस्ट्रक्शन गोल्स. हम गोल्स को डेवलप करेंगे कि व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश, क्या अकम्प्लिश करना है हमने. देन इंस्ट्रक्शनल एनालिसिस. इंस्ट्रक्शनल बार बार आपको दिखेगा हर स्टेप में. इंस्ट्रक्शन एनालिसिस हम प्रॉपरली एनालाइज करेंगे क्या और किस एस्पेक्ट में लर्नर का बिहेवियर क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब कुछ अचीव करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट वी हैव इंस्ट्रक्शन गोल्स, सेकेंड वी हैव एनालिसिस, थर्ड वी हैव एंट्री लर्नर्स बिहेवियर. लर्नर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई किया जाएगा, लर्नर के करेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही मॉडल प्रिपेयर होगा. फर्स्ट वी हैव इंस्ट्रक्शन गोल्स, देन इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, देन वी हैव एंट्री लर्नर्स बिहेवियर. क्लियर हो गया यहाँ तक? देन फाइनली यू राइट डाउन दी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. राइट दी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, क्या परफॉर्मेंस आपको चाहिए स्टूडेंट से, वो आपने फाइनली समझ लिया. गोल्स को डिसाइड करने के बाद, लर्नर के बिहेवियर को देखने के बाद प्रॉपरली एनालाइज किया और आपने राइट किए परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. फोर्थ स्टेप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. देन फाइनली डेवलप द इंस्ट्रक्शनल इंस्ट्रूमेंट्स, असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, कि क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, आप कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, कैसे इवेल्यूएशन करेंगे, टेस्ट करेंगे. ठीक है, देन आपने डेवलप की स्ट्रैटेजीज, डेवलप इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज. एक स्ट्रैटेजी बनाई, प्रॉपर प्लान बनाया कि कैसे कैसे आप परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में काम करेंगे. स्ट्रैटेजीज डेवलप हो गई. फाइनली डेवलप दी मटीरियल्स, किस टाइप का मटीरियल देंगे. आपने अपनी लर्निंग को इम्पैक्ट करना है तो प्रॉपरली आपके गोल्स अचीव हों तो उसके लिए क्या मटीरियल आप देंगे. अब आपने मटेरियल का काम भी कर दिया. सबसे पहले आपने इंस्ट्रूमेंट्स सोचे, देन आपने स्ट्रैटेजी बनाई, देन आपने मटेरियल पे काम किया. ठीक है, मटेरियल हो गया. अब आप करेंगे फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन मैंने आपको हमेशा समझाया है ड्यूरिंग योर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम. जब आप कुछ कार्य कर रहे हैं और तब आपने इवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया ड्यूरिंग योर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम. देन वी हैव फाइनली समेटिव इवैल्यूएशन. पर यहाँ पे ये मॉडल खत्म नहीं होता. लास्ट स्टेप है रिवाइज दी टोटल एस्पेक्ट. रिवाइज करेंगे आप, रिवाइज द टॉपिक. ये हर एस्पेक्ट में होगा, जहाँ भी रिक्वायरमेंट लगेगी आप उसे रिवाइज करेंगे. सबसे पहले आपने किया इंस्ट्रक्शन गोल्स बनाए, देन इंस्ट्रक्शन एनालिसिस, देन एंट्री लर्नर्स बिहेवियर. थ्री स्टेप डन. देन फाइनली राइट डाउन द परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. आपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स बनाए, देन आपने डेवलप किए असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स. इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए, उसके अकॉर्डिंग आपने बनाई स्ट्रैटेजी, असेसमेंट और इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज. स्ट्रैटेजीज बनाने के बाद आपने फाइनली मटीरियल यूज किया, मटीरियल दिया. मटीरियल्स के बाद फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन, ये आपने याद रखना है. देन रिवाइज दी टॉपिक. तो आपके 10 स्टेप में होगा डिक एंड कैरी मॉडल. जैसे जैसे आपकी इन्हांसमेंट हो रही है आपके गोल को अचीव करने के लिए, इंस्ट्रक्टर के गोल को इफेक्टिवली अचीव करने के लिए 10 स्टेप्स को इंक्लूड किया गया, दिया था 1978 में. एक बार छोटी सी रिविजन और ले लेते हैं क्योंकि कुछ 10 स्टेप्स हैं, इसे टाइम टेकिंग है, लेकिन मेरा यही मोटिव है कि आपको लर्न हो जाए और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन गोल्स बनाए, देन आपने एनालाइज किया, देन आपने एंट्री किया लर्नर बिहेवियर को, देन फाइनली राइट डाउन दी परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स. फिर आपने बनाए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स, क्या इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, कैसे करेंगे आप. देन आपने स्ट्रैटेजीज बनाई, देन आपने मटेरियल दिया, इंस्ट्रक्शन मटेरियल, इंस्ट्रक्शन सब में लगाते जाइए. देन वी हैव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डेवलप द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड डेवलप समेटिव इवैल्यूएशन. लास्ट वी हैव द रिवाइज द टॉपिक. आई होप आपको डिक एंड कैरी मॉडल क्लियर हुआ होगा, शॉर्ट वीडियो में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी. डिटेल वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा. शॉर्ट वीडियोज हैं आपके रिविजन के लिए, जिन्होंने पहले एक बार देख लिया है या नहीं भी देखा तो उनके क्विक रिविजन हो पाए. ठीक है, आपने पेजेस लगाए, आप सुनते रहिए, देखते रहिए और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. शॉर्ट वीडियोस इसलिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी. आई होप आपको क्लासेस अच्छी लग रही हैं, और अच्छी लग रही तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.